नमस्कार, प्राइम टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। स्वागत है आपका प्राइम चर्चा में। यूपी विधानसभा चुनाव में बहुत कम वक्त बचा है। पक्ष विपक्ष लगातार रैली कर रहे हैं, जनता के बीच अपने काम गिना रहे हैं, साथ ही एक दूसरे पर आरोप भी लगा रहे हैं। तो आखिर इस बार चुनाव का मुद्दा क्या है, किसने विकास किया है और कौन विकास कर सकता है? जो मौजूदा विधायक है, जनता उनका रिपोर्ट कार्ड मांग रही है। तो वहीं विधायक, सांसद, नेता सभी जनता के बीच में जाएंगे और अपने काम का रिपोर्ट कार्ड उनके सामने पेश करेंगे। और कई सवाल भी हैं जिनको जानने के लिए आज हम सवाल करेंगे एक विधायक से, यानी हमारे मेहमान से। तो इन तमाम सवालों के जवाब और अपना रिपोर्ट कार्ड देने के लिए मौजूद है हमारे साथ 195 भोजपुर विधानसभा फर्रुखाबाद से बीजेपी विधायक नागेंद्र सिंह राठौर जी, जो कि हमारे तमाम सवालों का जवाब देंगे कि आखिर इस बार का जो चुनावी मुद्दा है वो क्या है, क्या कुछ विकास किया गया है और साथ ही आने वाले चुनाव में क्या कुछ नया देखने को मिलेगा, कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं और अभी तक क्या काम किया है। तो इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे हमारे मेहमान से। और आपको बता दें कि 2022 विधानसभा चुनाव में बहुत ही कम वक्त बचा है, रैलियों का दौर शुरू हो गया है। अगर बात करें सभी विपक्षी दलों की तो सारे जिलों में रैलियां देखने को मिल रही है, और बीजेपी की बात करें तो बीजेपी तो एक दिन में कई रैली कर रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी एक दिन में 2 से 3 जिलों की रैलियां करते हुए नजर आते हैं। तो इन सब तैयारियों के बीच आखिर क्या कुछ देखने को मिल सकता है और विकास की बात करी जाए तो क्या इस बार की, यानी 2022 के जो चुनाव है वो विकास के मुद्दे पर होंगे या जाति धर्म के आधार पर? तमाम ऐसे सवाल है जिनको आज हम पूछने वाले हैं। और हमारे साथ मौजूद है बीजेपी विधायक नागेंद्र सिंह राठौर जी। नागेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप जनता के बीच अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करें, यानी कि जो आपने 4.5 साल में जो भी काम किए हैं उसके बारे में हमें जानकारी दे। वर्तमान में शेखा जी, जो चुनाव होगा वो विकास और सरकार के द्वारा किए गए सेवा कार्यों के आधार पर होगा जी। और 17 में जब चुनाव हुआ था तो प्रदेश की कानून व्यवस्था कैसी थी ये आप सबको मालूम है, और उसी कानून व्यवस्था को माननीय योगी जी ने चुस्त दुरुस्त किया है जी। और गुंडे माफियाओं को उनकी जो औकात दिखाई है उससे आम जनता में योगी जी के प्रति एक विश्वास बढ़ा है कि योगी जी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है जी। कोरोना जैसी महामारी से जूझने में के बावजूद भी उत्तर प्रदेश सरकार ने और खासकर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के हम जैसे कार्यकर्ताओं ने जी जो सेवा कार्य जनता के बीच जाकर के किए हैं उसे जनता ने भली भांति देखा है जी। आज तमाम राजनीतिक दल चुनाव में आ गए हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूं, जरा आप भी पता करिए ऐसे कितने राजनीतिक दल थे जो कोरोना काल में अपनी सेवाएं देने का काम कर रहे थे जी। हमारे भारतीय जनता पार्टी के ही संगठन में सेवा से हमने विश्वास को जीतने का काम किया है जी। और जहां तक आप विकास की बात करते हैं तो मैं अपनी विधानसभा में आपको बताना चाहता हूं कि 2 दर्जन से अधिक ऐसे कई मजरे और गांव थे जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद से आज तक सड़क के विषय में ये नहीं जाना था कि बरसात में सर्दी में सड़क पर जाने में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन सारे मजरों को जोड़ने का काम इन 4 साल में पूरा हुआ है जी। तो क्या बीजेपी जैसे सत्ता में आई है तभी से सड़क बननी शुरू हो गई थी या फिर अब जब चुनाव आए तब से सड़क बन रही है? बीजेपी जब सत्ता में आई थी तब से ही सड़क बननी शुरू हुई थी। मैं जी ऐसा नहीं कि चुनाव के समय हुआ है जी। हमने आपको बताया कि 2 दर्जन से अधिक ऐसे गांव हैं जिनके सड़क नहीं थी स्वतंत्रता के बाद से आज तक जी।
और 17 के बाद से ही लगातार उन मजरों को जोड़ने का काम हुआ है जिनकी संख्या 250 से अधिक है जी। ये कोई चुनावी मुद्दा नहीं है जी। सड़क सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, जिसके द्वारा समाज को एक नई दिशा मिल सकती है, योगी जी की सरकार में ये काम निरंतर जारी रहे जी। कोरोना काल में भी इन कामों पर कोई विशेष असर नहीं आया है जी। नागेंद्र जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरह से कोरोना काल में जो विधायक निधि थी उसको कम कर दिया गया था, तो क्या कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा और किस तरह से जनता की विधायक निधि, विधायक निधि कम क्यों की गई? विधायक निधि स्थगित की गई थी जी, इसलिए कि उस समय जनता की अन्य समस्याओं के समाधान के लिए जो धन की आपूर्ति हो, वो स्वास्थ्य के लिए हो, दवाइयों के लिए हो, ऑक्सीजन के लिए हो, इंजेक्शन के लिए हो, इसलिए हम समझते हैं उससे कोई विशेष कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा जी। नागेंद्र जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो कुछ शिकायतें आपके पास आती हैं उसका निवारण कैसे करते हैं आप? मैडम, मैं सुबेरे से 8 बजे से जी और 11 बजे तक जो भी लोग आते हैं उनकी समस्याओं का निराकरण उनके समक्ष ही संबंधित अधिकारी को निर्देश दे करके उसको समाधान कराने के लिए काम करता हूँ। उसके बाद क्षेत्र में अपनी जनसंपर्क में निकल जाता हूँ जी। नागेंद्र जी, जनता को कभी कभी नगर निगम से भी काफी शिकायतें रहती हैं, तो उन शिकायतों का निवारण करने के लिए आप क्या निर्देश देते हैं? मैं आपको बता दूं कि हमारी विधानसभा में एक तो कोई ना नगर पालिका है और ना नगर निगम है जी, दो दो केवल नगर पंचायतें हैं छोटी छोटी जी, तो उसमें ऐसी कोई समस्या नहीं है जिनका निराकरण हमारे इधर से संभव ना हो जी। और जिस तरह से इस वक्त डेंगू और कोरोना दोनों का खतरा सिर पे मंडरा रहा है, तो स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए और साथ ही सफाई के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? डेंगू और कोरोना जैसी महामारी के लिए मैं आपको बता दूं, मेरी विधानसभा में 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं जी, एक CHC कमालगंज और एक CHC मोहम्मदाबाद जी, दोनों पर ही 20-20 बेड के पाइपलाइन से ऑक्सीजन के बेड रेडी हो चुके हैं और अब रनिंग पोजीशन में है जी। अभी कोरोना के बाद डेंगू में भी उन बेड का हमने उपयोग किया है जी। सरकार द्वारा जो योजनाएं बनाई जाती हैं, जो भी सुविधाएं जनता के लिए लाई जाती हैं, उनको जनता तक पहुंचाने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं आती हैं, जनसंपर्क के दौरान हमारा ये प्रयास होता है कि ये जाने कि जमीनी स्तर पर वो सही तरीके से लागू हो पा रही है या नहीं हो पा रही है जी। अगर कहीं कोई समस्या आती है तो संबंधित अधिकारी को वहीं से टेलीफोनिक संपर्क करके और इस गांव में ये समस्या इस योजना के संदर्भ में आ रही है उसका निदान कराने का कार्य करते हैं जी। कई बार विपक्ष में निशाना साधता है, अक्सर ही निशाना साधता रहता है कि कोई काम नहीं हो रहा है, सरकार कोई काम नहीं कर रही है, जनता परेशान है, इस पे क्या कहेंगे? मैडम, संविधान में जो विपक्ष की भूमिका है जी, वो एक सकारात्मक विरोध हो इस उद्देश्य से है जी। लेकिन अगर विपक्ष की सोच ही नकारात्मक है जी, तो वो सही काम को ही गलत दिखाने का प्रयास करती है जी, तो उसके ऊपर क्या कहा जा सकता है, ये उनकी सोच है जी। तो तभी तो हम कह रहे हैं कि आप अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करिए, क्योंकि चुनाव का वक्त है, आप भी जनता के बीच जाएंगे, अपने कामों को गिनाएंगे, जैसा कि बीजेपी कर ही रही है, तो हम भी चाहेंगे कि आप हमारे माध्यम से भी बताएं कि आपने क्या कुछ काम किए हैं अभी तक। देखिए, पहले तो हमारे यहाँ 3 थाने आते हैं जी, तीनों थानों में कानून व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त करने का काम हुआ जी। यातायात के लिए उन मजरों को, जैसा हमने आपको पहले बताया, मैंने सब सारे मजरों को सड़क से जोड़ने का कार्य किया जी।
बिजली की आपूर्ति, चूंकि ग्रामीण अंचल ज्यादा है, किसानों को सही रूप से बिजली मिल सके जी, इस बात के लिए भी विद्युत विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा उसमें कार्य कराने का काम हुआ जी। और मैं आपको बता दूं कि मेरी ही विधानसभा में 220 केवीए का 114 करोड़ रुपए से पावर हाउस बनना शुरू हो गया है, जिससे पूरे जनपद की विद्युत समस्या का समाधान होगा जी। तो इस बार का चुनावी मुद्दा क्या होगा, कौन से चुनावी मुद्दे के साथ अब जनता के बीच जाएंगे? प्रदेश सरकार के कार्य और मेरे द्वारा उनको सतही रूप में लागू कराने में जो सक्रियता दिखाई गई है, प्रदेश की जो जनहितकारी योजनाएं हैं माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी की जी, जो आम जनता के लिए, गरीब के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, बच्चों के लिए जितनी भी योजनाएं, इनका सही रूप से क्रियान्वयन हुआ है जी। और आम जनता इससे अपने को राहत महसूस करती है। कोविड काल में जब लॉकडाउन के कारण तमाम लोग रोजगार से महरूम हो गए थे, उन लोगों को जो माननीय मोदी जी और योगी जी द्वारा मुफ्त में राशन उपलब्ध कराया गया है, उससे उनको जी। जीवन यापन करने में तो आसानी मिली है, तथा लॉकडाउन के दौरान 1,000 रुपए उनके खाते में डाले गए हैं जी। और वर्तमान में माननीय प्रधानमंत्री जी ने मार्च तक फ्री राशन की व्यवस्था की है, और माननीय योगी जी के द्वारा, प्रदेश सरकार के द्वारा राशन को दोगुना करने के बाद तेल और दाल की भी व्यवस्था की गई है, नमक की भी व्यवस्था की गई है जी। योजनाएं तो कई सारी लेकर आई जाती है सरकार द्वारा, लेकिन वो आम जनता तक, जिसको सच में उसकी जरूरत है, वो उस तक पहुंच नहीं पाती है, इसके लिए क्या कदम? मैं आपको जितनी बातें बता रहा हूँ, आप आकर के मेरी विधानसभा में दिखवा लीजिए जी, अपने रिपोर्टर को भेजिए कि मैंने जो बातें बताई हैं वो सही हैं या गलत हैं। बिल्कुल, हम इसकी जांच भी कराएंगे। अब हम ये जानना चाहेंगे, आपको ये भी मैं बता दूं, हमारे यहाँ छुट्टा जानवरों से लगभग 70-80% निजात मिल चुकी है जी। 3 गौ सदन सरकारी हमारी विधानसभा में बने हैं। खेलो इंडिया खेलों के तहत जनपद में पहला स्टेडियम मुड़गांव में हमारे ही विधानसभा में निर्माणाधीन है जी। नागेंद्र जी, हम ये जानना चाहते हैं कि इस बार का चुनावी मुद्दा क्या जाति धर्म पे आधारित रहेगा या विकास पे? क्योंकि जैसा कि कल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया था कि अयोध्या काशी झांकी है, मथुरा अभी बाकी है, तो क्या इस बार फिर धर्म को मुद्दा बनाया जा रहा है? नहीं नहीं नहीं, आप उसे धर्म से जोड़ने का क्यों प्रयास कर रही हैं? क्योंकि तो इससे पहले भी राम मंदिर का मुद्दा रहा ही था, हमारी मूल की पहचान है जी, वो तो है, लेकिन चुनाव के वक्त में हमारी भारत की संस्कृति की मूल भावना, मूल आत्मा है जी, उसे धर्म से जोड़ने का क्यों प्रयास किया जा रहा है जी? और जिस तरह से 2022 में चुनावी मुद्दा है महिला को लेके, वो चाहे सपा हो, बसपा हो या फिर कांग्रेस हो, सभी महिलाओं को मुद्दा बना रहे हैं, तो महिला सुरक्षा, महिला आरक्षण और शिक्षा पर क्या कहेंगे? बीजेपी कितना काम कर रही है और क्या कुछ आने वाले चुनावों में लेकर आने वाली है खास चीजें? मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ जी, महिलाएं 17 से लेकर 21 तक कितनी सुरक्षित रही है, क्या आप महसूस नहीं करते हैं? आप भी तो एक महिला हैं जी, आप क्या महसूस करते हैं? आप योगी जी को, सरकार को इस बात पे पसंद करती है कि नहीं करती है, जरा अपनी राय बताओ। देखिए, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है नागेंद्र जी, नहीं, आप लेकिन अपनी हर एक क्षेत्र ना, हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वो काफी सुरक्षित है, लेकिन हर क्षेत्र सुरक्षित नहीं है महिलाओं के लिए। योगी जी ने नारी को देवी स्वरूप में एक सम्मानजनक स्थान दिलाने का काम किया है बिल्कुल, और उनकी सुरक्षा और उनके सम्मान के लिए जी, जो जो योगी जी ने कार्य किए हैं, अगर पूर्व की सरकार ने इसमें विशेष ध्यान दिया होता तो स्वतंत्रता तो प्रियंका गांधी क्यों महिलाओं को साथ लेकर चल रही है और कह रही है कि ट्वीट कर करके कह रही है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं उत्तर प्रदेश में? आखिर विपक्ष को ये मुद्दा क्यों मिला है? हम आपसे पूछते हैं, विपक्ष अगर कह रहा है तो अखिलेश ये बताएं, गायत्री किस केस में सजा काट रहे हैं? प्रियंका गांधी के ट्वीट पे क्या कहेंगे?
क्यों वो महिलाओं को साथ लेकर चल रही है? ये राजनीति महिलाओं पे आखिर कैसे आ गई? क्यों इतने काम करने के बाद भी ये कहा जाता है कि यूपी में महिलाएं सुरक्षित नहीं है? सवाल तो ये है ना कि इतना काम किया जा रहा है। चाहता हूं, जी। मैं आपके माध्यम से प्रियंका जी से पूछना चाहता हूँ, तंदूर कांड किनकी सरकार की देन है? जी मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि किनकी सरकार की देन है जी, आप बताइए। यहाँ सवाल करने तो हम बैठे हैं ना, और जवाब देने आप बैठे हैं, तो आप ही बताएंगे। हम आपको बता तो रहे हैं जी, नारी हमारे लिए देवी स्वरूपा है और सम्माननीय है जी। उसके मान सम्मान के लिए माननीय योगी जी ने जो कार्य किए हैं ये इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाएंगे जी। और इसीलिए नारी सशक्तिकरण महिलाओं को कितना स्थान मिलने वाला है भाजपा की तरफ से? ये काम तो मैडम नेतृत्व का है, नेतृत्व जो निर्णय करेगा जी। लेकिन कांग्रेस ने तो साफ कर दिया कि 40% महिलाओं को सीट दी जा रही है, बीजेपी का क्या कहना है? अरे उनका उनका तो कुछ है ही नहीं। आप हम आपसे ये पूछते हैं, संगठन नाम की चीज किसी बूथ स्तर पर भी जिनकी नहीं है जी, और वो मुंगेरी लाल के अगर सपने देख करके कोई घोषणा कर रहे हैं तो उसमें हम क्या कह सकते हैं जी। तो जिस तरह से महिलाओं का मुद्दा तो हो गया, शिक्षा और विकास पे क्या कहेंगे? कितना फोकस है बीजेपी का शिक्षा और विकास पे? शिक्षा के विषय में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि 17 से पहले बच्चे जब गांव से प्राइमरी के स्कूल में जाते थे जी, तो ऐसा लगता था कि जी होमगार्ड के बच्चे विद्यालय जा रहे हैं जी। माननीय योगी जी के आने के बाद जो ड्रेस कोड में परिवर्तन हुआ, जूता मोजा स्वेटर बस्ता टाई उन बच्चों को मिली है, जिससे उन बच्चों के मन में जो हीन भावना हुआ करती थी जी, वो खत्म हुई है और शिक्षा के प्रति उनका रुझान बढ़ा है। अब पहले 17 से पहले आप किसी गांव के विद्यालय को जाकर के देखें तो लगता, अगर सबसे गंदा चीर चीर अवस्था में कोई है तो आप समझ लीजिए ये बेसिक शिक्षा का भवन है। और अब आप किसी अगर गांव में जाएंगी बेहतर तरीके से सुसज्जित रंग रोशन से ऐसा लगता है कि विद्या का मंदिर है जी। अगर ऐसा कोई भवन है तो आप मान लीजिए ये विद्यालय है। और जब वातावरण सही होगा, शिक्षा का विकास होगा और शिक्षा को सही रूप से संचालित किया जा सकेगा जो माननीय योगी जी ने करके दिखाया है जी। शिक्षा क्षेत्र में काम तो अच्छा किया जा रहा है, लेकिन जब ये कहा गया था कि जितने भी नेता हैं अधिकारी हैं वो अपने बच्चों को भी सरकारी स्कूल में पढ़ाए, तो इससे मना क्यों कर दिया गया? ये बिगड़ी हुई व्यवस्था है शिखा जी, और इतना जल्दी आप 4 साल में भी 4.5 साल में 1.5 साल कोरोना का अगर निकाल दें तो तीन ये जो जितने भी परिणाम आज आपको योगी जी की सरकार के दिखाई दे रहे हैं ये 3 साल की उपलब्धियां हैं। आप समझ लीजिए 3 साल का बच्चा जमीन पे चल नहीं पाता, माननीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश को 3 साल में उत्तम प्रदेश बना करके किया है जी। नागेंद्र जी, जिस तरह से ओपी राजभर सपा के साथ चले गए, अखिलेश से हाथ मिला लिया, क्या कहेंगे इस पे? बीजेपी को कितना नुकसान हुआ है? ओपी राजभर को जवाब तमाम हमारे बड़े नेताओं ने दे दिया है जी। मैं समझता हूँ मेरा उनको जवाब देना ठीक भी नहीं है। और ओपी राजभर जिन सपनों को देख करके जीते हैं जी, वो सपने उनके कभी पूरे नहीं होंगे। जनता जनार्दन को पूरा मोदी जी और योगी जी पे भरोसा है, और आप नोट कर लीजिए अब की बार फिर से 300 पार जी। नागेंद्र जी, वैक्सीनेशन में बहुत अच्छा काम किया है भाजपा ने, 100 करोड़ के पार वैक्सीनेशन का आंकड़ा जो छू लिया है, इस पे क्या कहेंगे? कितनी बड़ी उपलब्धि है? हम आपसे उपलब्धि के विषय में इतना ही जानना चाहते हैं कि जो लोग वैक्सीन जब इंडिया में आई थी उसे बीजेपी की वैक्सीन बताने का काम कर रहे थे जी। ये वही विपक्ष है जो वैक्सीन पे भी निशाना साधने का कार्य कर रहा था, और थोड़े दिन बाद वही सब लोग उस वैक्सीन को अपनी जान सुरक्षित रखने के लिए कराने का काम कर रहे हैं जी। तो वैक्सीन में जो काम हमारे माननीय मोदी जी और योगी जी ने किया है वो वास्तव में अपने में एक सराहनीय है, और मैं आभारी हूँ तथा गर्व महसूस करता हूँ कि मैं योगी और मोदी का सिपाही हूँ।
जी नागेंद्र जी, हमारे दर्शकों को आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? जिस तरह से कोविड की तीसरी लहर आने वाली है और चुनाव भी सर पर है और कुछ लोग वैक्सीनेशन अभी भी अपना पूरा नहीं करा पाए हैं, तो क्या आप कोई संदेश देना चाहेंगे? हम टीकाकरण में अधिक से अधिक भागीदारी करें जी, और सोशल डिस्टेंस, मास्क और हैंड सैनिटाइजेशन का कार्य जारी रखें जी। जो भी सतर्कता कोरोना को रोकने में हमारे द्वारा संभव है उसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए जी, बिल्कुल। ये हम देश, समाज और अपने परिवार के लिए भी कार्य करना हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए जी, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए इस चर्चा में। हमारे साथ बीजेपी विधायक नागेंद्र सिंह राठौर जी जुड़े थे, तो जिन्होंने अपनी उपलब्धि गिनाई है। हमने उनसे रिपोर्ट कार्ड मांगा कि आखिर पौने पांच साल में क्या कुछ किया है बीजेपी ने, खास तौर से विधायक जी ने। तो उन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड दिया और बताया कि उन्होंने क्या कुछ काम किया है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।